बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है, उनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है 20.03। इसके देखिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखेंगे। यहां से हम काउंट करते हैं, ये पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड जो है वंस टेंस, और जो ये पॉइंट्स होता है जब हम राइट हैंड साइड की ओर काउंट करते हैं तो इसको जो पॉइंट्स है इसको हम कहते हैं वन टेंथ हंड्रेड थाउजेंड इस तरह से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू, देखिए ये वंस टेंस, टेंस प्लेस के ऊपर है तो टू को हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जीरो, वंस प्लेस के ऊपर है तो हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, देखिए यहाँ पे वंस टेंथ, वन टेंथ टेंथ है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो इंटू वन अपॉन टेन, क्योंकि ये टेंथ प्लेस है, जब हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें अपॉन में वन अपॉन टेन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड, वन टेंथ हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस के ऊपर क्या है हमारे पास, प्लस थ्री इंटू वन अपॉन हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस के ऊपर जो हमारे पास थ्री है, थ्री को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे वन अपॉन हंड्रेड से। सो दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट इज 2.03, इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। देखिए पॉइंट से जो है हमारे पास आगे क्या है, टू है, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड्स को कौन सा है, टू है, हम टू को क्या करें, टू कौन सी प्लेस पर है, देखो वंस टेन सॉरी वंस प्लेस के ऊपर है, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, प्लस जीरो, जीरो कौन से प्लेस पे हमारे पास, दिस इज पॉइंट्स के, जब हम राइट हैंड साइड को करते हैं तो पॉइंट्स को कर देते हैं हम काउंट वन, और ये बन जाता है टेंथ एंड हंड्रेड प्लेस जो है हमारे पास, सो इनटू वन पॉइंट टेन, प्लस हियर थ्री, थ्री किस पोजीशन पे है हमारे पास, प्लेस पे हंड्रेड प्लेस के ऊपर है तो हम वन पॉइंट हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2.03। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 200.03। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, टू कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस के ऊपर है तो हम हंड्रेड प्लेस के ऊपर है तो हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जीरो किस प्लेस के ऊपर है, टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस के ऊपर है तो हम जीरो को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे जीरो किस प्लेस के ऊपर है, वंस प्लेस, वंस प्लेस के ऊपर है तो जीरो को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे देखो जीरो किस प्लेस के ऊपर है, जब हम राइट साइड्स वाले साइड्स को काउंट करते हैं तो क्या होता है, जो पॉइंट्स है उसको हम वन प्लेस काउंट कर लेते हैं, और ये जो नेक्स्ट है इसको हम टेंथ प्लेस जो है काउंट करते हैं, और दिस नेक्स्ट इज हंड्रेड प्लेस, तो हमारे पास जीरो किस प्लेस के ऊपर है, टेंथ प्लेस के ऊपर है, सो जीरो इंटू वन पॉइंट टेन, प्लस थ्री कौन से प्लेस के ऊपर है, हंड्रेड प्लेस के ऊपर है तो हम वन पॉइंट हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो ये बन गया हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 200.03 की। फोर्थ पार्ट इज 2.034। देखिए यहाँ पे टू हमारे पास किस प्लेस के ऊपर है, वंस प्लेस के ऊपर है तो हम इसको टेन से सॉरी वंस प्लेस के ऊपर है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू वन आ जाएगा, प्लस देखिए हमारे पास अब जो लेफ्ट हैंड साइड का ये तो सॉल्व हो गया, अब पॉइंट्स के आगे कौन कौन से हमारे पास, जीरो थ्री फोर, तो ये वंथ प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, और ये हंड्रेड प्लेस है, और ये थाउजेंड प्लेस है हमारे पास, तो जीरो किस प्लेस के ऊपर है, टेंथ प्लेस के ऊपर है, सो वन पॉइंट टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थ्री किस प्लेस के ऊपर है, हंड्रेड प्लेस के ऊपर है, इसको हम वन पॉइंट हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फोर, फोर किस प्लेस के ऊपर है, थाउजेंड प्लेस के ऊपर है तो हम इसको वन पॉइंट थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2.034। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 6 का फर्स्ट पार्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो हमने यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है इन फॉलोइंग नंबर्स पे, तो फर्स्ट है 2.56, मैंने अभी बताया आपको जब हम लेफ्ट हैंड साइड्स वाले काउंट करते हैं तो ये क्या है, टू किस प्लेस के ऊपर है, वंस प्लेस के ऊपर है हमारे पास,
सो बिकॉज टू इज इन वंस प्लेस, सो देयरफॉर प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज टू. टू इज टू. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट 21.37. देखिए यहां पर जो हमारे पास, अब किस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे. वंस टेंस, टू हमारे पास कौन से प्लेस के ऊपर है, टेंस प्लेस के ऊपर है, बिकॉज टू इज इन टेंस प्लेस. टेंस प्लेस के ऊपर है तो हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज क्या हो जाएगी हमारे पास प्लेस वैल्यू. देखिए यहां पे टू किस टेंस प्लेस के ऊपर है तो हम टू को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस है तो एक जीरो लगेगी इसके साथ, 20 बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि टेंस प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेन से, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 10.25. देखिए 10.25, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किस साइड्स को है, पॉइंट्स के राइट साइड्स को है, तो हमारे पास ये वंस और ये वंथ और ये टेंथ प्लेस के ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू इज इन, बिकॉज टू इज इन टेंथ प्लेस. टू कहां पर है हमारे पास, टेंथ प्लेस के ऊपर है. सो प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज, देखिए अब हमारे पास जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कौन से प्लेस पे, टेंथ प्लेस के ऊपर है, तो हम टू को क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 2/10. प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास टू की, वो है 2/10. सो प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज 2 × 1/10, क्योंकि ये क्या हमारे पास पॉइंट से राइट हैंड साइड्स वाली साइड्स को है, तो टेंथ प्लेस के ऊपर है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 2/10. नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट है 9.42. फोर्थ पार्ट इज 9.42. हियर देखिए टू हमारे पास किस पोजीशन के ऊपर है, वंथ टेंथ हंड्रेड पोजीशन के ऊपर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर जो है इसकी वैल्यू, बिकॉज टू इज इन हंड्रेड प्लेस के ऊपर है, हम क्या करेंगे इसको, therefore प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहां पर, टू इन टू, देखिये हंड्रेड प्लेस है तो हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2/100. प्लेस वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टू की, 2/100. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 63.352. हमारे पास क्या है फिफ्थ वर्ड, 63.352 हियर. सो बिकॉज टू इज इन कौन से प्लेस के ऊपर है, वंथ टेंथ हंड्रेड थाउजेंड प्लेस के ऊपर है, थाउजेंड प्लेस, सो देयरफॉर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ऑफ टू इज इक्वल टू 2/1000, क्योंकि हम टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थाउजेंड से, सो 2/1000 जो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी. सो दिस आंसर, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.